दोस्तों ये है सोनी कंपनी की तरफ से आने वाला सोनी मेटल पेन ड्राइव 32 GB का है। करूंगा इनकी अनबॉक्सिंग रिव्यू भी करने वाला और देखने वाले क्या क्या फीचर्स इसके अंदर है और इसका रिव्यू भी बताने वाले हैं और साथ ही साथ ये भी बताने वाले हैं कि आपको ये परचेस करना चाहिए या फिर नहीं। इसका एक कॉम्पेरिजन वीडियो भी आने वाला है इसके अगले वीडियो में। और इसके पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मैंने जो है एक प्लास्टिक पेन ड्राइव का अनबॉक्सिंग किया था जो कि सोनी कंपनी का ही था, सेम था, सब कुछ सेम था, सिर्फ वो जो है प्लास्टिक का था, ये जो है मेटल का है। नमस्कार दोस्तों, मेरा उमर, आप सभी का स्वागत है मोबाइल टेक्निकल स्टार में। बिना किसी देरी के बिना किसी बोर्ड पर चले गए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये है इसका बॉक्स मेन कंटेंट जो कि आप सब देख सकते हो। यहाँ पे ये जो है विंडोज और मैक दोनों के लिए अवेलेबल है। 2.0 का सॉकेट मिल जाती है, साथ ही साथ यहाँ पे आप यूएसबी फ्लैश ड्राइव यहाँ पे जो है मॉडल नंबर भी देख सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो सॉफ्टवेयर अवेलेबल, फाइल रेस्क्यू सॉफ्टवेयर भी इसमें अवेलेबल है। और ये है 32 GB का, ये है इसका मेटल पेन ड्राइव जो कि आप देख सकते हो कितनी छोटी सी है, उससे अगर थोड़ा सा छोटी है ये, ठीक है। और ये जो है सोनी पेन ड्राइव है जो कि सोनी का ब्रांडिंग दिया है। पीछे की साइड बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाती है माइक्रो वॉल्ट जहाँ पे आपको 2 ईयर की वारंटी मिल जाती है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे इंटरफेस आपको जो है हाई स्पीड यूएसबी यहाँ पे 2.0 का सपोर्ट मिल जाता है। वही पर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10, 8.1, विंडोज 7 OS, ये जो आप मैक में भी इजीली यूज कर सकते हो, यानी अगर आपके पास मैकबुक वाला लैपटॉप है तो भी वहां पे आप इजीली इसको यूज कर सकते हो। तो यहां पे आप देख सकते हो कुछ यहां पे लिंक वगैरह दे रखा है जहां पे आप देख सकते हो। और ये है इसका QR स्कैनर और यहां पे दोस्तों आपको मिल जाती है पोर्ट टाइप ए, USB पोर्ट, वही पर आपको जो है ये सारा कुछ यहां पे आपको देखने को मिल जाती है। ये आप जो है वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। नीचे की साइड बात करें तो यहां प्राइस दे रखा है 710 rupees, इतना भी इसका प्राइस नहीं है। यहां पे आप अभी स्क्रीन में देख पा रहे हो यही इसका भी करंट प्राइस चल रहा है। और करंट प्राइस जाने के लिए दोस्तों मैं बाय लिंक दे रखा हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पे आप जाकर के पता प्राइस का पता भी कर सकते हैं। तो यहां पे इसका कस्टमर केयर नंबर मिल जाता है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड इशू आता है तो आप यहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहां पे दोस्तों ये कुछ वगैरह लिखा हुआ है तो हमने पहले इसको ओपन कर रखा था, तो चलिए मैं इसको भी यहां से निकाल लेता हूं। यहां पे दोस्तों हमने इसको निकाल दिया है, ये कुछ इस तरीके से दिखता है जब ये बाहर आता है, तो चलिए मैं इसको यहां से ओपन कर लेता हूं। और ये जो है इजीली यहां से ओपन हो गया, ये देखो बहुत ही लाइट वेट और चीप क्वालिटी का। यहां पे देखो कितनी छोटी सी पेन ड्राइव है, मेरे हाथ में इजीली आ जा रहा है। अगर मैं चाहूं तो ये जो है मेरे पॉकेट में इजीली कैरी कर सकता हूं और इतना लाइट वेट है गाइस मैं क्या बताऊं। और इसका फिनिशिंग लुक है मेटल की तो ये मुझे बहुत ही पसंद आया। ओवरऑल अगर क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे देखो मेड इन इंडिया लिखा गया है, प्रोडक्ट क्वालिटी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसका रिव्यू की। दोस्तों बात करते हैं इसकी कुछ रिव्यू की, तो देखिए यहाँ ये आपको मिल जाता है मेटल बॉडी जो कि अच्छी बात है। आपको जो है अगर आपके हाथ से कहीं गिर जाता है तो ये जो है टूटने का चांसेस बहुत कम है क्योंकि मेटल का है। लेकिन वही पर प्लास्टिक की देखा जाए तो गाइस ये जो है टूट भी सकता है, तो ऐसे यूज में आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी है तो जो कि मैंने नोटिस किया एक महीने यूज करने के बाद, जो कि दोस्तों ये स्ट्रैप होल तो है ही, बट आप अगर इसको कंप्यूटर में करीब करीब 2-3 घंटे तक यूज कर रहे हो तो दोस्तों ऐसे में क्या होगा ना, हीटिंग इशू ज्यादातर आएगा। जी हाँ, इसमें आपका हीटिंग इशू थोड़ा देखने को मिल सकता है क्योंकि दोस्तों मेटल का है, ये तो होना ही चाहिए, मेटल जो कि एक गुड कंडक्टर होता है, तो ऐसे में जो है ये ज्यादातर हीट ये जो है पकड़ लेगा। तो ऐसे में दोस्तों प्रॉब्लम आपको ये होगा जब आप पेन ड्राइव को 2-3 घंटे के बाद आपका जब काम कंप्लीट हो जाएगा, जब कंप्यूटर या लैपटॉप सिस्टम से जब इसको रिमूव करने जाओगे तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम आने वाला है क्योंकि वो बहुत गर्म रहेगा, आपका हॉटनेस फीलिंग भी आपको आएगा। तो ऐसे में दोस्तों आपको करना क्या है कि 3-4 घंटे के बाद आपका जब काम खत्म हो जाएगा डेस्कटॉप कंप्यूटर को 1-2 घंटे पूरा ऑफ कर दो, उसके बाद वो जो है फिर से ठंडा हो जाएगा, तब जाकर के आप जो है निकालना। तो दोस्तों ये चीज अगर आप कर सकते हो तो ऐसे में आप इसका यूज करना, आप इसका बाय भी कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन को फॉलो करके इसको परचेस कर सकते हो। इसका कुछ रिव्यूज की, तो अगर रिव्यू की और बात करते हैं तो भाई मेरे ख्याल बस स्कैनिंग वाला कुछ नहीं है, प्लास्टिक पेन ड्राइव का वही सारा फीचर इसके अंदर एड है, ठीक है। तो गाइस आप लोगों ने सारा रिव्यू देख लिया, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप खरीदना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के अमेज़न से खरीद भी सकते हो। और चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लेना ताकि हमेशा की तरह मेरे ये इस तरीके की वीडियो आपको हमेशा नोटिफिकेशन के तौर पर मिलती रहे। तो गाइस मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।